सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो पे लाइक गेम रखते हैं 500 लाइक्स का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लाइक गेम जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, कहानी अब शुरू हो रही है। आयुष को बचपन से ही किताबें लिखने का बहुत शौक था और बड़े होकर उसने अपने इसी शौक को अपना पेशा बना लिया और एक प्रोफेशनल राइटर बन गया। एक रात वो अपने घर में किताब लिख रहा था, लेकिन उसके घर के आसपास बहुत शोर हो रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा था और इस बात से परेशान होकर उसने लिखना बंद कर दिया और उसने फैसला किया कि वो अब एक नया घर लेगा जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, बस शांति हो, ताकि वो अच्छी तरह से लिख पाए। अगली ही सुबह वो तैयार हुआ और एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंचा। वो प्रॉपर्टी डीलर आयुष की जान पहचान वाला था। आयुष ने उस प्रॉपर्टी डीलर से कहा, सर मुझे एक घर खरीदना है और मैं चाहता हूं कि वो घर एकदम एकांत में हो। मेरा मतलब है आसपास, मतलब शोर शराबा ना हो, शांति हो। और फिर जैसे ही ये बात उस प्रॉपर्टी डीलर ने सुनी, तब उसने कहा, हाँ जी सर, मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। और मेरे पास एक ऐसा घर है जहाँ आसपास मतलब शोर शराबा बिल्कुल है ही नहीं, एकदम प्रकृति की गोद में एकदम सुंदर सा घर है। अगर आप कहो तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। और फिर जैसे ही आयुष ने ये बात सुनी, तब आयुष ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपको सुबह सुबह मिलता हूँ, तो हम साथ में चल लेंगे। और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल सुबह हम दोनों साथ में चलेंगे और आप घर देख लेना। आयुष अपने घर आ गया और उसके बाद उसने देखा कि थोड़ा शांति का माहौल बना हुआ था, इसलिए वो अपनी किताब लिखने के लिए बैठ गया और अपनी किताब को लिखता रहा। रात हो गई। रात होने के बाद फिर से उसके घर के आसपास शोर होने लगा और फिर उसने वापस से लिखना बंद किया और लिखना बंद करने के बाद वो सो गया। सुबह सुबह वो प्रॉपर्टी डीलर आयुष के घर पर आया और उसने घर की डोरबेल बजाई। आयुष उठा और उसने घर का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि प्रॉपर्टी डीलर सामने खड़ा था। और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, सर आपने कहा था ना सुबह सुबह, तो मैं आ गया, कहीं मैंने कोई जल्दी तो नहीं कर दी। और फिर आयुष ने कहा, नहीं नहीं कोई जल्दी नहीं है यार, वो मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया उठने में। आप बैठिए अंदर, मैं तैयार हो जाता हूँ तब तक। आयुष रेडी हो गया और वो प्रॉपर्टी डीलर आयुष को अपनी कार में बिठाकर उस घर की तरफ ले गया। और फिर आयुष ने रास्ते में ही पूछा, हाँ तो कहाँ पर है वो घर। जिसके जवाब में उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, हाँ सर बस पहुँचने ही वाले हैं, वो क्या है ना, वो घर मैंने इसलिए बनवाया था ताकि कोई अगर शांति प्रिय किस्म का इंसान हो तो उसे घर दे सकूं, क्योंकि आजकल ऐसे घरों की काफ़ी डिमांड रहती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ शांति में काम करना ही पसंद होता है, लेकिन आसपास के शोर की वजह से उन्हें काम करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। यही सोच के मैंने वो घर शहर से थोड़ा दूर बनाया है और वहाँ पर शोर शराबा जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ शांति से कोई भी इंसान काम कर सकता है। आयुष ने जब ये बात सुनी, तब उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बस वो घर अच्छा हो। और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, अरे सर आप एक बार घर देख तो लीजिए, आपको पसंद नहीं आए तब कहना। बातें करते करते वो शहर से बाहर आ गए और एक वीरान सी जगह पर पहुंच गए। आयुष ने उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, कितना टाइम लगेगा अभी। और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, बस सर पहुंच गए। थोड़ी ही देर बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने घर के बाहर गाड़ी को रोका
उसने आयुष से कहा, देखिए सर आ गया है। आयुष गाड़ी से निकला और उसने घर की ओर देखा तो घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, सर अब अंदर से भी देख लीजिए। आयुष और वो प्रॉपर्टी डीलर घर के अंदर पहुँचे और उस प्रॉपर्टी डीलर ने बोलना शुरू किया, देखिए सर ये आपका किचन हो गया और ये यहाँ पर आप आराम से टीवी लगाकर एंजॉय कर सकते हैं, एंड ऊपर आपके ये ढेर सारे रूम्स हैं और यहाँ पर हमने एसी लगवा रखा है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आयुष को घर बहुत पसंद आया और आयुष ने कहा, अच्छा तो क्या कीमत होगी इसकी मतलब? और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, सर आप कीमत की चिंता क्यों करते हैं? आप इतने सालों से हमें जानते हैं, आपके लिए 50 लाख लगा देंगे हम। और आपको 50 लाख में इतनी शांत जगह मिल रही है जहाँ पर आप अपनी किताबों को और भी खूबसूरत तरीके से लिख पाएंगे, तो ऐसी अच्छी बात क्या है आपके लिए? और फिर आयुष ने कहा, कह दो आप ठीक रहे हैं, घर भी अच्छा है, घर भी अच्छा है और माहौल भी ठीक है। ठीक है 50 लाख में डन करते हैं, कागज़ वगैरह का मतलब जो भी है वो देख लेना और पेमेंट मैं करवा दूंगा। और फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, अरे सर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप तो बस अब तैयारी करिए अच्छी अच्छी किताबें लिखने की। कुछ ही दिनों बाद आयुष उस घर में रहने के लिए आ गया और वो घर रहने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था आयुष को, क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था और वहाँ की जो हवा थी वो काफ़ी ज़्यादा ताज़ी थी। आयुष ने रात के वक्त किताब लिखना शुरू किया, लेकिन किताब लिखते लिखते उसे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, तकरीबन रात के 2 बज गए। और रात के 2 बजे उसने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था और उसने सोचा कि चलो अब बाकी का कल लिखेंगे, इसलिए वो सोने जा ही रहा था तभी उसका ध्यान एक खिड़की पर गया और वो खिड़की बंद थी। आयुष को लगा कि शायद इस खिड़की को खोलकर देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। आयुष ने जैसे ही उस खिड़की को खोला तो उसने देखा कि उसके बगल में एक घर था जो कि थोड़ा सा दूर था, लेकिन इतना ज़्यादा दूर नहीं था, उसकी जो खिड़कियाँ थी वो साफ साफ नज़र आ रही थी। आयुष ने जब उस घर की खिड़की को ध्यान से देखा तब उसे नज़र आया कि वहाँ उस घर के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पियानो बजा रही थी। और फिर आयुष को लगा कि शायद उसे किसी के घर में ऐसे नहीं देखना चाहिए, इसलिए उसने खिड़की को बंद कर दिया और सोने लगा। सोए हुए उसे कुछ ही वक्त हुआ तभी उसके कानों में पियानो बजने की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके पूरे घर में कहीं भी पियानो नहीं था। और फिर जब उसने खिड़की को खोल कर देखा तब उसने देखा कि वो पियानो की आवाज़ उतनी दूर से उस लड़की के घर से आ रही थी और ये कोई आम बात नहीं थी। तभी उस लड़की ने आयुष की तरफ देखा और आयुष ने जब उस लड़की को देखा तब उसे लगा कि शायद वो लड़की गुस्सा करेगी, इसलिए उसने खिड़की को वापस बंद कर दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उतनी दूर से पियानो की आवाज़ उसके घर तक आ कैसे रही है। वो पियानो की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मधुर थी जिसकी वजह से सुनते सुनते आयुष को नींद आ गई और उसे काफ़ी अच्छी नींद आई। सुबह जब आयुष उठा तो उसने खिड़की को वापस खोल के देखा तब उसने देखा कि उस घर में कोई भी नहीं था। आयुष ने सोचा चलो उस लड़की से मिला जाए, लेकिन बाद में उसने फिर सोचा किसी लड़की के घर ऐसे जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने वहाँ जाने का जो फैसला था उसे टाल दिया। फिर से रात हुई और आयुष अपनी किताब लिखने के लिए बैठ गया और जैसे ही रात के 11 बजे वो जो पियानो की आवाज़ थी वो फिर से आने लगी और जैसे ही वो पियानो की आवाज़ आयुष के कानों में गई तब आयुष ने कुछ और ही लिखना शुरू कर दिया। उसके जो हाथ थे वो उसके काबू में नहीं थे और वो बार बार लिखे जा रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके जो हाथ थे वो उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो अपने आप सिर्फ एक ही चीज़ लिख रहा था, मेरी मदद करो। उसने डर से पेन को छोड़ दिया और उसने फिर खिड़की को खोलकर देखा। तब उसने देखा कि वो लड़की खिड़की पर खड़ी थी और आयुष को ही देख रही थी। आयुष को कुछ भी समझ नहीं आया। उस लड़की की आंखों में आंसू थे और वो आयुष को देखे जा रही थी। आयुष को पता चल गया कि उस लड़की को मदद की ज़रूरत है और फिर आयुष उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। एक टॉर्च लेकर टॉर्च की रोशनी में आयुष उस लड़की के घर की ओर बढ़ रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद वो उस लड़की के घर पर पहुंचा और उसने घर की जो डोरबेल थी उसे बजाया, लेकिन जो घर की डोरबेल थी वो नहीं बजी। और उसके बाद आयुष ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी वो जो घर का दरवाज़ा था वो नहीं खुला। आयुष वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी वो जो घर का दरवाज़ा था वो अपने आप खुल गया। अब आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए उस घर के अंदर कदम रखा और उस कमरे में जाने लगा जहाँ पर वो लड़की पियानो बजाती थी। उसने काफ़ी कमरों को ढूंढा, लेकिन उसे वो कमरा नहीं मिला जहाँ पर वो लड़की बैठकर पियानो बजाती थी। वो बार बार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे उस घर में कोई रहता ही ना हो। तभी उसे वो कमरा मिल गया जिस कमरे में एक पियानो था। और फिर आयुष ने कहा, मुझे पता है आपको मदद की ज़रूरत है, आप हैं कहाँ पर? देखिए, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। तभी आयुष को वहाँ पर बेड पर एक लेटर मिला और उस लेटर में लिखा हुआ था, हेल्प मी। और फिर जैसे ही आयुष ने उस लेटर को पढ़ा, तब आयुष ने कहा, जी मैं आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ, आप हैं कहाँ पर, कम से कम ये तो बताइए। आयुष उस घर से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचा, तभी अचानक से वो घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। और जैसे ही वो घर का दरवाज़ा बंद हुआ, आयुष दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी और आयुष काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। आयुष ने डरते हुए कहा, देखो मैं मदद करने आया था, मेरे को जाने दो यहाँ से। और वहाँ की जो लाइटें थीं वो अपने आप जलने बुझने लगी और अचानक से वो लाइटें बंद हो गई और वहाँ पूरे घर में अंधेरा छा गया। आयुष चिल्लाने लगा। आयुष के चिल्लाते ही वहाँ पर एक लड़की की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और वहाँ की जो लाइटें थीं वो वापस जल उठी। आयुष ने देखा तो एक लड़की ऊपर बैठे बैठे हंस रही थी और उस लड़की ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप इतना ज़्यादा डर जाएंगे, मुझे पता नहीं था। और जब ये बात आयुष ने सुनी, तब उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उस लड़की से पूछा, क्या क्या ये सब मजाक था? और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ ये सब मजाक था। और फिर आयुष ने कहा, अरे ऐसा भला कोई मजाक करता है, खोलो दरवाज़ा, मेरे को घर जाना। आयुष ने यह कहकर उस घर का दरवाज़ा खोला और इस बार वो दरवाज़ा जो था वो न जाने कैसे खुल गया और आयुष अपने घर आ गया। सुबह सुबह जब वो उठा और उसने अपने घर का जो मेन डोर था उसे खोला, तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था और उस फूलों के गुलदस्ते में एक सॉरी का लेटर था। आयुष ने जब उस गुलदस्ते को देखा, तब उसने उस गुलदस्ते को उठाया और अपने साथ घर के अंदर ले गया। आयुष दिन भर अपना काम करता रहा और उसके बाद रात के वक्त अपनी किताब लिखने के लिए बैठ गया। उसकी जो रूम की खिड़की थी वो खुली हुई थी और उसकी नज़र जब खिड़की के बाहर गई, तो उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो इशारा करके आयुष को
बुला रही थी। आयुष ने अपना सर हिलाकर ना कहा, लेकिन वो लड़की हाथ जोड़ने लगी और फिर आयुष को लगा कि शायद उस लड़की को किसी मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो आयुष फिर से रात के अंधेरे में उस लड़की के घर चला गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया और उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और फिर आयुष ने कहा, क्या हुआ? और फिर उस लड़की ने कहा, चलिए अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप राइटर हैं ना? और फिर आयुष ने कहा, हाँ हूँ तो। और फिर उस लड़की ने कहा, मैं भी एक राइटर हूँ, चलो साथ में बैठकर बातें करेंगे और मैं आपको आइडियाज़ देती रहूँगी, आप उन पर किताब लिखना, और आपकी जो किताब अगर कोई बची हुई है तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और फिर आयुष ने कहा, तुम राइटर हो, तुमने कौन सी किताब लिखी हुई है? और फिर उस लड़की ने कहा, मैंने लिखा तो बहुत लेकिन कोई बुक पब्लिश नहीं करवाई है। और फिर आयुष उस लड़की के घर में चला गया। वो लड़की आयुष के लिए पीने के लिए पानी लेकर आई। आयुष ने पानी को पिया। उस लड़की ने पूछा, तो बताओ अभी कौन से टॉपिक पर लिख रहे? और फिर आयुष ने उसे अपना टॉपिक बताया और उसके बाद उस लड़की ने बोलना शुरू किया और उस लड़की के जो सजेशन थे वो आयुष को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और उसने उस लड़की से कहा, अरे वाह यार, तुमने तो बहुत अच्छा बताया मुझे, तुम तो एक बहुत अच्छी राइटर हो, अरे तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। और फिर उस लड़की ने हंसते हुए अपना नाम रूही बताया। आयुष ने कहा, रूही कैसा अजीब सा नाम है। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? आयुष ने कहा, नहीं नहीं रूही अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। जैसे जैसे वो लड़की बता रही थी आयुष वैसे वैसे लिखता जा रहा था और एक ही रात में आयुष ने पूरी किताब जो है वो कंप्लीट कर दी। और आयुष को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक रात में पूरी आधी किताब लिख डाली। उसने उस लड़की से कहा, अरे यार थैंक यू सो मच यार, मज़ा आ गया, मैंने आधी किताब लिख ली थी, इतना टाइम लग गया था और मैंने आधी किताब पूरी रात में लिख ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, थैंक यू सो मच, पता नहीं आज इस रात में कौन सी ताकत है, लिखते लिखते मेरे हाथ दर्द हुए ही नहीं, वरना पहले तो मेरे हाथ दर्द हो जाते थे। रूही हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, कोई नहीं, अब तो आपकी किताब जो है वो पूरी हो गई, अब इसे पब्लिश करा दीजिए। आयुष ने कहा, हाँ पब्लिश तो मैं करवा दूंगा, तो तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो मुझे अपना पूरा नाम बताओ और एक फ़ोटो दे दो, मैं क्रेडिट में तुम्हारा भी नाम डालूंगा ना। और फिर रूही ने कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम डालिए। जिसके जवाब में आयुष ने कहा, अरे ऐसे कैसे, तुमने भी मुझे सजेशन दी है और तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी अच्छी बुक लिख पाया हूँ, तो तुम्हें क्रेडिट देना तो बनता ही है। और फिर रूही ने कहा, नहीं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं क्रेडिट के लिए कभी नहीं लिखती, मैं सिर्फ मन के लिए लिखती हूँ, क्रेडिट के लिए नहीं, आप अपना नाम लगा दीजिए। आयुष ने उस किताब को पब्लिश करवा दिया और देखते ही देखते वो जो किताब थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। आयुष ने एक मिठाई का डब्बा खरीदा और फिर सुबह सुबह वो रूही के घर पहुँच गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और उसने उसके बाद डोरबेल बजाई। काफ़ी देर तक वो घर के बाहर इंतज़ार करता रहा लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तब उसे लगा कि शायद रूही बाहर गई होगी, इसलिए वो अपने घर वापस आ गया। और फिर रात के वक्त उसने देखा कि रूही जो थी वो अपने घर पर आ गई थी। और आयुष फिर से रूही के घर पर गया और अपने साथ मिठाई का डब्बा भी लेकर गया। उसने रूही को मिठाई देते हुए कहा, ये लो थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से किताब जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, बहुत ज़्यादा तारीफ मिल रही है मुझे, लेकिन मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा, तुमने क्रेडिट नहीं लिया। और फिर रूही हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, नहीं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आयुष और रूही में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो रोज़ रात को साथ में बैठकर किताबें लिखते थे
और उसके बाद जब किताब कंप्लीट हो जाती थी तब आयुष जब भी किताब को पब्लिश करता था तब किताब काफ़ी ज़्यादा हिट होती थी। आयुष काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, कभी भी रूही क्रेडिट नहीं लेती थी किताब लिखने का। उसने एक रात पार्टी करने का फैसला किया। आयुष के कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं थे और जो भी थे वो काफ़ी दूर दूर रहते थे और उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया जा सकता था, इसलिए उसने सोचा कि चलो रूही के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। उसने इतनी मदद करी है, कम से कम एक पार्टी तो देनी ही चाहिए, इसलिए उसने रूही से कहा, सुनो मैंने सोचा है कि पार्टी करते हैं, मेरे घर आ जाना। और फिर रूही ने कहा, अगर पार्टी करनी है तो मेरे घर में कर लो ना, मेरा घर कौन सा छोटा है। और फिर आयुष ने कहा, हाँ तुम्हारा घर तो बड़ा है लेकिन मेरे घर में तो पार्टी मेरी तरफ से है तो घर भी तो मेरा ही होना चाहिए ना। रूही ने कहा, अरे हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हारा मेरा क्या, इस घर में करो या अपने घर में करो, बात एक ही है। और फिर आयुष ने कहा, ठीक है इस घर में पार्टी करते हैं। उसने अगले ही दिन पूरी पार्टी प्लान करने का फैसला किया। सुबह सुबह उठा तब उसे एक अर्जेंट कॉल आ गया, लेकिन आयुष ने सोचा कि पार्टी भी तो करनी है, उसने रूही से वादा किया था, लेकिन काम कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी था इसलिए उसे जाना पड़ा। उसने सोचा कि चलो पहले रूही को बता देता हूँ, इसलिए वो रूही के घर गया, लेकिन फिर से वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिला। आयुष अपना काम करने के लिए निकल गया और काम निपटाते निपटाते उसे रात हो गई। रात के वक्त जब वो अपने घर वापस आ रहा था तब उसने देखा कि रूही का जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था और पूरा डेकोरेट हो रखा था। रूही वहीं पर खड़ी थी दरवाजे पर, और फिर आयुष ने कहा, अरे ये सब। और फिर रूही ने कहा, अरे पार्टी करनी थी ना और तुम पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैंने सोचा मैं ही डेकोरेशन कर दूँ। और फिर आयुष ने कहा, अरे यार मैं दे रहा था पार्टी, तो डेकोरेशन वगैरह सब मैं मैनेज करता, अगर तुमने ही सब कर दिया तो पार्टी तो फिर तुम्हारी तरफ से हो गई। और फिर रूही ने हंसते हुए कहा, अरे तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, पार्टी तुम्हारी तरफ से ही है, भले ही मैंने सब कुछ कर लिया, अब अंदर आओ। आयुष घर के अंदर चला गया, उसने देखा कि वहाँ पर काफ़ी खाने पीने का सामान लगा हुआ था, अंदर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आयुष ने कहा, डांस करोगी, और फिर रूही ने मना कर दिया। और फिर आयुष वहाँ पर फ्रिज के पास गया और उसने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगा। वो पानी पी ही रहा था तभी वहाँ पर गाने बजने लगे, और जैसे ही वहाँ पर गाने बजने लगे रूही डांस करने लगी, और रूही को डांस करता हुआ देखकर आयुष को काफ़ी अच्छा लगा। रूही डांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और आयुष की जो नज़र थी वो रूही के ऊपर थम सी गई थी। रूही ने आयुष से कहा, आओ तुम भी डांस करो, जिसके जवाब में आयुष ने कहा, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कहा था। और फिर रूही ज़बरदस्ती आयुष को हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गई और आयुष भी डांस करने लगा। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, पूरी रात उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। तभी सुबह के 4 बजे रूही ने आयुष से कहा, आयुष अब पार्टी बस करते हैं, अब तुम घर जाओ अपने। रूही काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, और फिर आयुष ने कहा, अरे ठीक है जो भी है, लेकिन क्या हुआ, घबराई हुई क्यों लग रही हो। और फिर रूही ने कहा, नहीं अब बस तुम जाओ। आयुष अपने घर आ गया और उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी इसलिए वो सो गया। पूरी रात आयुष मस्ती कर रहा था जिसकी वजह से पूरा दिन वो सोता रहा, और तकरीबन शाम के 7 बजे उसकी आँखें खुली। उसे भूख लग रही थी इसलिए उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने सोचा कि चलो फिर से किसी नई किताब के बारे में सोचा जाए, और वो नई किताब के बारे में सोच रहा था। किताब के बारे में सोचते सोचते उसे पियानो की आवाज़ आने लगी, और आयुष ने खिड़की को खोला तो उसने देखा कि रूही उसी कमरे में बैठकर मुस्कुराते हुए पियानो बजा रही थी। और उसने आयुष को देखा और फिर से उसे बुलाने का इशारा किया। आयुष भी चला गया, और उसने फिर देखा कि पूरा जो घर था
वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और फिर आयुष ने कहा, अरे तुमने पूरा घर नॉर्मल कर दिया। यार अरे कुछ तो करने देती, पार्टी मेरी तरफ से या तुम्हारी तरफ से कुछ पता ही नहीं चल रहा था। डेकोरेशन भी तुमने कर लिया, फिर सारी डेकोरेशन हटा भी तुमने दी, तो मैंने किया क्या इसमें, पार्टी तो तुम्हारी तरफ से हो गई। और फिर रूही हंसने लगी और उसने कहा, कोई बात नहीं। आयुष और रूही आपस में बात कर ही रहे थे, तभी आयुष ने कहा, अरे सुनो तुम्हारा पियानो काफ़ी अच्छा लगता है, तुम बजाओ ना, मैं सुन रहा हूँ। रूही ने मना किया, लेकिन आयुष ने कहा, अरे बजा दो ना, क्यों इतना भाव खा रही हो। और जब आयुष ने बहुत कहा, तब रूही फिर से पियानो बजाने लगी। और उसके पियानो बजाते ही आयुष को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा, पियानो की जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा मधुर थी। और फिर आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जैसी बीवी मिल जाए, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, मैं तो कोई काम ही ना करने दूँ उसे, सिर्फ पियानो सुनता रहूँ। और फिर रूही ने हंसते हुए कहा, तो फिर मुझसे ही शादी कर लो। और जब आयुष ने यह बात सुनी, तब उसने कहा, अच्छा मजाक कर रही हो। आयुष पियानो सुनता रहा और पियानो सुनते सुनते वो बेड पर लेट गया। रूही ने पियानो को रोका और फिर आयुष ने कहा, अरे बजाओ ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आयुष के कहने पर रूही ने फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया। आयुष उस लड़की का पियानो सुनते सुनते सो गया। सुबह सुबह उसकी आँख खुली और उसने देखा कि रूही वहाँ पर नहीं थी। उसने पूरे घर में रूही को ढूंढा, लेकिन रूही उसे कहीं भी नहीं मिली। घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। और आयुष घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने घर पहुंचा। उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि आखिर रूही कहाँ गई। उसने ध्यान दिया कि कभी भी दिन में रूही उसे एक बार भी नहीं मिली, जब भी मिली रात में मिली। उसके दिमाग में यही सवाल आया और उसने सोचा, आज रात पक्का रूही से पूछ लूँगा कि आखिर सुबह सुबह वो कहाँ ऐसी जगह चली जाती है। और फिर वह अपने घर आ गया और अपना जो डेली का काम था वो करने लगा। जैसे ही शाम के 7 बजे उसने सोचा, क्यों ना रूही के घर पर नज़र रखी जाए, रूही कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए वो शाम के 7 बजे रूही के घर के बाहर खड़ा हो गया और वो इंतज़ार करने लगा कि आखिर रूही आएगी कब। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन रूही का नामो निशान नहीं मिल रहा था कि आखिर रूही है कहाँ पर। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आयुष ने सोचा तक नहीं था। उस घर से पियानो के बजने की आवाज़ आने लगी, लेकिन आखिर रूही घर के अंदर गई ही नहीं, वो घर पर आ ही नहीं, तो पियानो कैसे बज रहा था। आयुष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने घर चला गया और उसने देखा कि खिड़की पर रूही पियानो बजा रही थी। उसने खिड़की से देखा कि रूही वहीं पर अपने कमरे में बैठे हुए पियानो बजा रही थी। और उसने जब आयुष को देखा, तब उसने हंसते हुए उसे अपने पास बुलाया, लेकिन इस बार आयुष नहीं गया। और फिर काफ़ी देर तक रूही वहीं खिड़की पर खड़ी रही, लेकिन आयुष ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बार बार आयुष को देख रही थी और अपने पास बुला रही थी, लेकिन आयुष इग्नोर कर रहा था। और फिर उसे लगा कि चलो आखिरी बार चलकर बात की जाए, इसलिए वो एक बार फिर से रूही के घर में चला गया। और जब वो रूही के घर में गया, तब उसने देखा कि वहीं कमरे के अंदर रूही रो रही थी। और फिर आयुष ने कहा, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, जिसके जवाब में रूही ने कहा, तुम्हें इतनी देर से बुला रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं रहे हो, पता है कितनी ज़्यादा घबरा गई थी मैं। और फिर जब आयुष ने ये बात सुनी, तब आयुष ने कहा, अच्छा तुम मुझे ये बात बताओ, तुम कभी भी मुझे सुबह के वक्त नहीं मिलती। मेरे कहने का मतलब है, आज भी सुबह सुबह जब मेरी आंखें खुली, तब मैंने देखा कि तुम पूरे घर में कहीं भी नहीं हो। और फिर रूही ने कहा, हाँ वो मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं तुम्हारे उठने से पहले ही चली गई। और उसके बाद आयुष ने कहा, मैं 7 बजे से तुम्हारे घर के दरवाजे पर था, लेकिन तुम तो घर के अंदर आ ही नहीं,
और फिर रोही ने कहा, अरे मैं 5 बजे ही आ गई थी। और जब ये बात आयुष ने सुनी तब उसने कहा, अच्छा। और आयुष को लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही शक कर रहा है, इसलिए उसने रूही को सॉरी कहा। लेकिन रूही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, उसने आयुष की बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और आयुष ने कहा, अरे अब गलती हो गई ना, बस अब कितना नाराज रहोगी। और फिर आयुष ने कहा, अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती ना तो सच में मैं तुमसे इतनी बातें नहीं करता, चला जाता अभी तक। और फिर रूही ने आयुष की तरफ देखा और आयुष ने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब है दोस्त के लहजे से, तुम मेरी दोस्त हो ना और तुम मुझे पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से मना रहा हूँ, वरना मैं नहीं मनाता तुम्हें। और फिर रूही हंसने लगी और उसने कहा, अच्छा सिर्फ दोस्त की तरह से पसंद हो। और फिर आयुष ने कहा, हाँ और क्या, चलो अब मुझे पियानो सुनाओ, तुम्हारा पियानो बहुत अच्छा लगता है। और फिर रूही हंसते हुए पियानो बजाने लगी। और तभी आयुष ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी होश उड़ गए, उसके माथे से जो पसीना था वो टपकने लगा। हाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो ये कहानी है वो पसंद आई होगी। तो ये कहानी का पार्ट 1 था, अगर आपको इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट कर देना, और साथ ही साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम जो है वो 500 लाइक्स का है, इसलिए एम पूरा कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हमें क्रॉस करने हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।